दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामला। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामला। मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को जमानत मिली। मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को जमानत मिली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतबाह के बाद, इंतबाह यानी वार्निंग, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतबाह के बाद, इंतबाह वार्निंग चेतावनी, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतबाह के बाद संजय सिंह की जमानत की मुखालफत न करने यानी विरोध न करने, संजय सिंह की जमानत की मुखालफत न करने का फैसला किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतबाह के बाद संजय सिंह की जमानत की मुखालफत न करने का फैसला किया। बहरान का सामना कर रही आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत। बहरान क्राइसिस, बहरान का सामना कर रही आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह से कोई रकम बरामद हुई और न कोई ट्रेल मिला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह से कोई रकम बरामद नहीं हुई, यानी कोई रकम नहीं मिली और न कोई ट्रेल मिला। आम आदमी पार्टी के लीडर सियासी सरगर्मी जारी रख सकेंगे। सियासी सरगर्मी यानी राजनीतिक सक्रियता। आम आदमी पार्टी के लीडर सियासी सरगर्मी जारी रख सकेंगे। नई दिल्ली अहमदुल्ला सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह को दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में बिलाखिर 6 माह बाद आज जमानत दे दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म दिया कि आबकारी पॉलिसी मामले में ट्रायल जेरे इल्तबा होने के दरमियान संजय सिंह को रिहा किया जाए। बेंच ने संजय सिंह की रिहाई का हुक्म देते हुए ये ज़बानी मुशाहदा भी किया कि कोई रकम बरामद नहीं की गई और न ही इस मामले में कोई मनी ट्रेल मिला। अदालत ने इसको भी नोट किया कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के कम से कम 9 ऐसे बयानात हैं जिनमें संजय सिंह पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। अदालत ने यह भी मुशाहदा किया कि संजय सिंह रिहाई के बाद सियासी सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं।